बारे में काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स हमें आते रहते हैं, क्योंकि नर्वस लगता है, उदास लगता है, सैड लगता है, निराशा लगती है, और उसके बारे में वो प्रोफेशनल हेल्प जो है वो हमारे से लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, दवाइयाँ पूछते रहते हैं। तो उसमें जनरल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए या जनरली क्या करना चाहिए, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, मुंबई हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे हॉस्पिटल से। डिप्रेशन जो है या निराशा या सैडनेस ये बीमारी है, और 10-15% लोगों को, जनरल आबादी में ये बीमारी लोगों को है। इसमें होता क्या प्रमुख लक्षण, इसमें होता है कि नर्वसनेस, उदासीनता, दुख लगना, सैडनेस, थकान, बहुत थकान लगना, कमजोरी लगना, फिर बीच में बिना कुछ वजह रोना आना, निराशावाद हो जाना, धीमी आवाज में बोलना, बहुत ताकत महसूस नहीं करना, फिर खुद को दोषी समझना, मैंने कुछ गलतियाँ की हुई है और उसके लिए मैं दोषी हूँ ऐसा समझना, भूख नहीं लगना, उससे वजन कम हो जाना, नींद नहीं लगना, पूरे बदन में दर्द, काम में मन नहीं है, खुदकुशी करने के विचार बार बार आते रहते हैं। तो ऐसे सब लक्षण डिप्रेशन में दिखाई देते हैं। उसको मालूम है कि मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द है अंदरून, और फिर वो प्रोफेशनल हेल्प सीख करते रहता है, लेते रहता है, या फिर ज़्यादा हो गए तो सुसाइड कर लेता है। अभी हमें देखना है कि इसको करना क्या है इसके लिए। तो जब कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है अपने फैमिली में, तो फैमिली मेम्बर ने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि भाई इसको ऐसा ये तकलीफ हो रही है, तो इसको कुछ तो भी इलाज करना जरूरी है, डॉक्टर के पास ले चलो। तो इसमें एंटी डिप्रेशेंट जो दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेशेंट्स बहुत काम किए, 2-4 हफ्ते में इसमें फ़ायदे दिखाई देते रहते। फिर इसके साथ साथ आप सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हो, मेडिटेशन उसको बताते हो, और विटामिन युक्त आहार, कोई विटामिन्स, ज़्यादा सुसाइडल थॉट है तो शॉक ट्रीटमेंट, सबसे महत्व का है कि उसको एंटी डिप्रेशन देना जरूरी है दवाइयाँ। इसके साथ साथ हम मानसोपचार, सम्मोहन उपचार करते रहते हैं, और फिर उसको टिप्स देते हैं कि भाई रोज अपने जीवन में क्या करे ताकि वो डिप्रेशन से जल्दी मुक्ति पाएगा। तो कौन सी टिप्स है कि क्या करना चाहिए? नंबर एक, हम बोलते हैं कि लोगों से जुड़ो, जिनके साथ में आपका बहुत प्यार है, जो आपके ऊपर प्यार करते हैं, उनसे कनेक्टेड रहो, उनको कॉल करो, उनसे बातचीत करो। फिर जो चीज़ में, जो काम में आपको खुशी आती है तो वो काम करो। 40 मिनट तक रोज एक्सरसाइज करो, कम से कम पैदल चलो, एक्सरसाइज करो, और वो सनलाइट में किया तो बहुत ही अच्छा है, 40 मिनट तक। फिर नकारात्मक बोलने का नहीं, देखो हमारे थॉट्स जो नेगेटिव है उसके ऊपर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, मगर मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। तो फिर मुंह से नकारात्मक शब्द निकलना नहीं है, वो मैं निकालूंगा, ये उसको बताने का है। फिर कुछ ना कुछ कृति, काम, एक्शंस करते रहने का, खाली बैठने का नहीं है। फिर करीब व्यक्ति के पास मन की बातें खुल के बोलना चाहिए, इसलिए आपका जो करीब का व्यक्ति है उसके पास में जाके मन पूरा खाली करते जाओ। फिर कोई सोशल फंक्शंस है, प्रोग्राम्स है, शादियाँ हैं, कोई बर्थडेज है, कहाँ से निमंत्रण आया हुआ वहाँ चले जाओ, कोई सार्वजनिक उत्सव है ना, तो कोई मंदिर में कीर्तन भजन है, कोई प्रवचन है तो वहाँ चले जाओ। फिल्म देखो अच्छी अपने को लगती है, वो मूवी अच्छी देखना, डिप्रेस जो मूवी है डिप्रेशन की वो, और डिप्रेशन के गाने सुनने का नहीं है। फिर ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको सहायता करो, उनको हेल्प करो, नीडी जो लोग हैं उनको, ऐसे लोगों की सहायता करो कि जो लोग आपको, आपने जो मदद की है उसका एहसान वापस नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ दो। आप पैसे दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, कुछ मदद कर सकते हो, जो भी आप उनके लिए कर सकते हो वो करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर नई कुछ हॉबी आप शुरू कर सकते हो तो करो, हॉबी, रुचि जिसमें आपको है वो हॉबी के रूप में करो, पिकनिक जाओ, कोई ट्रिप निकालो, पिकनिक में जाओ, 8 घंटे नींद लो, और 8 घंटे नींद आती नहीं है तो आप नींद की दवाई उस समय ले सकते हैं। वैसे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है उससे भी नींद आती रहती है। तो ये हम करते हैं तो डिप्रेशन से पूरी मुक्ति हम पा सकते हैं, डिप्रेशन का पेशेंट जो अच्छा हो सकता है और अपना जीवन अच्छा जी सकता है।
यूजुअली 3 से 4 हफ्ते में एकदम क्लियर कट फायदा होता है। दवाई लेने का जब सवाल आता है तो कम से कम 6 से 9 महीने उसने दवाई लेना जरूरी है। तो यदि करते हैं तो हर व्यक्ति जो डिप्रेस है वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकता है। 10 से 15% लोगों को डिप्रेशन है। आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते नहीं कि मैं डिप्रेस हूँ, मगर उनको कुछ ना कुछ मात्रा में डिप्रेशन है। ये वीडियो इतना फैला दो, इतना शेयर करो, ताकि थोड़ा भी डिप्रेशन किसी में होना तो वो ये करते रहता करेंगा ये चीज़ें जो मैंने बताया, तो अच्छा जीवन जी पाएगा। तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, लाइक करो, और जो बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, हर एक को शक्तिशाली जीवन देना, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।